उज्जैन हिस्ट्री शीट अपराधी दुर्लभ कश्यप हत्याकांड के मामले में पुलिस ने किया अहम खुलासा। दोनों पक्ष की ओर से 6-6 लोगों को बनाया गया आरोपी। मृतक दुर्लभ कश्यप व घायल शाहनवाज को छोड़कर कुल 6 आरोपी गिरफ्तार, 4 आरोपी फरार। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 4 चाकू व 3 मोटरसाइकिल जब्त की। फरार आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित। थाना जीवाजीगंज के हिलावाड़ी क्षेत्र में 2 दिन पहले एक दूसरों को घूरने की बात पर हिस्ट्री शीटर बदमाश दुर्लभ कश्यप व शाहनवाज के बीच विवाद हो गया था। विवाद इतना बड़ा कि दुर्लभ कश्यप ने शाहनवाज पर गोली चला दी। बदले में शाहनवाज के भाई व उसके दोस्तों ने दुर्लभ कश्यप पर चाकू से वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर घायल शाहनवाज का इलाज इंदौर के चिकित्सालय में चल रहा है। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से 6-6 आरोपी बनाए हैं। अब तक पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्लभ कश्यप की मौत हो चुकी है तो वही शाहनवाज का उपचार चल रहा है। शेष 4 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिन पर पुलिस ने प्रत्येक पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस घटना में उपयोग की गई 3 बाइक जब्त की है। हाँ, जैसा कि आपको पता है कि 6 और 7 के दरमियानी रात एक घटना घटी थी, जिसमें दुर्लभ कश्यप की हत्या हो गई थी मौके पर, और शाहनवाज जो है वही इंदौर में इलाजरत है। दोनों की तरफ से एक एक प्रकरण 1-302 का और 1-307 का कायम हुआ था। आज 307 के आरोपी जो 4 उसमें बचे थे, उन 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, जिसमें से 2 कल गिरफ्तार हुए थे और 4 आज हुए, जिसमें 2 302 के भी आरोपी हैं, एक भूरा और एक राजा। और जो 307 के आरोपी हैं उनके कब्जे से चाकू मिले हैं, और साथ में जो 302 के आरोपी हैं उनसे भी चाकू मिले हैं, 3 मोटरसाइकिलें भी मिली हैं। इसमें घटना का क्रम यह था कि दुर्लभ कश्यप जो अपने जिसके घर में दाल बाटी का प्रोग्राम था, वो अपने दोस्तों के साथ में सिगरेट वगैरह पीने के लिए गया था, जिसने शिराज के किराना स्टोर से सिगरेट ली थी। उसके बाद इनका आपस में विवाद हुआ। शिराज ने सादाब, शहदाब, रमीज, राजा, ये जो आसपास ही रहते हैं, सब एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं, और आपराधिक प्रकरणों में भी इनकी सहभागिता एक दूसरे के साथ में रही है पहले भी। ये वहाँ पहुँच गए और इन्होंने उसको दुर्लभ ने गोली चलाई, उसके बाद इन लोगों ने उसको और उनके साथियों को मारा, जिससे ये पूरी घटना क्रम हुआ। इसमें घटना के बाद अभी आरोपी गिरफ्तार किए गए जीवाजी पुलिस द्वारा, और जीवाजी थाना प्रभारी जो प्रमोद भदौरिया हैं, और उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अश्वनी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूपेश द्विवेदी के निर्देशन में इस सफलता को अंजाम दिया गया। आरोपियों की पकड़ा पकड़ी के लिए और तुरंत इस की घटना क्यों घटी इसकी जानकारी के लिए एक 5,000 का इनाम 307 के मामले में और 302 में 10,000 का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। अभी इसमें शेष आरोपी 4 302 के रह गए हैं, जिनकी तलाश लगातार सरगर्मी से जारी है। अभी तक पिस्टल नहीं मिली है आरोपियों, जो आरोपी हैं उनके पास मिलने की संभावना है, अभी तक इसकी कोई सुराग नहीं मिला।